हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबको स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप अपना वोटर कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं, किस प्रकार से आप खुद से ही ऑनलाइन तरीके से आप अपना वोटर कार्ड को डाउनलोड करेंगे, इससे क्या लेटेस्ट प्रोसेस होगा, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ जो इस वीडियो में प्रोसेस बताने वाला हूं दोस्तों, सभी लोगों के लिए अवेलेबल होगा। जैसे कि अगर आपका वोटर कार्ड नया बना होगा तब भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपका वोटर कार्ड काफी दिन पहले बना हुआ है, जैसे 5 साल हो गया, 2 साल हो गया, या तो फिर 10 साल बने हुए हो गया है, तभी दोस्तों यहां से आप अपना वोटर कार्ड को इजी वे में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस में आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से आपको खुद से अपना वोटर कार्ड डाउनलोड करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट जान लेते हैं और सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा, ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है voters.eci। ठीक है, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद तो नीचे यहाँ पे पहला ही वेबसाइट के पास नजर आता होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देख सकते हैं आपके पास नजर आता है ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों आपको पहला वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे सब पहला वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाता है। इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे सो लिंक पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको इस पेज पर डायरेक्टली ड्रैग कर देगा, काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे काम ऑनलाइन तरीका से किया जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको अपने वोटर कार्ड को डाउनलोड करना है। उसके लिए सो यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन बना हुआ नजर आता होगा, एक सेक्शन बना हुआ नजर आता होगा, जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए नजर आता होगा ई इपिक डाउनलोड। ठीक है, तो सिंपल सो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे सो इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले सो यहाँ पे आपको अकाउंट में लॉग इन होना होगा, यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। ठीक है, अब यूजर नेम और पासवर्ड कहाँ से आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सो अगर पहले से आप अगर वोटर पोर्टल पर आकर के अगर अपना अकाउंट बनाए हुए होते हैं तो दोस्तों आपके पास इजी वे में आपका यूजर नेम और पासवर्ड होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना होगा। उसके लिए दोस्तों काफी इजी है, सबसे आसान है, यहाँ पे नीचे देखिए नजर आता होगा साइन अप फॉर न्यू यूजर। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता होगा साइन अप फॉर न्यू यूजर। तो सिंपल से आपको साइन अप फॉर न्यू यूजर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अकाउंट बनाने का जो प्रक्रिया होता है वो चालू हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना है, उसके बाद सेंड ओटीपी क्लिक करना है। ठीक है, जैसे उसको सेंड ओटीपी क्लिक कीजिएगा, उसके बाद जो भी आप मोबाइल नंबर देते हैं उस पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी आपको फिलअप करके वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपको कुछ डिटेल फिलअप करना होगा, जैसे कि आपका नाम, आपका स्टेट वगैरह, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह होता है, आपका एड्रेस मांगा जाएगा, आपका वोटर कार्ड नंबर मांगा जाएगा, उसके बाद वहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और आपको एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ डिटेल फिलअप करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइनली आपका अकाउंट बन जाता है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा उसके बाद दोबारा से आपको इस पेज पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट में लॉग इन होना होगा। उसके लिए सो यहाँ पे काफी सारा तरीका है, जैसे कि यहाँ पे देखने नजर आता होगा इंटर रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो भी आप अपना अकाउंट बनाते समय मोबाइल नंबर देते हैं वो आप यहाँ पे यूजर नेम में डालिएगा, या तो फिर अगर आप आपके पास वोटर कार्ड नंबर है, अकाउंट बनाते समय जो आपने वोटर कार्ड नंबर दिया था वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अकाउंट बनाते समय जो भी आपने पासवर्ड डाला होगा पासवर्ड यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद स्क्रीन पर देखिए आपके पास एक कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो फाइनली वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे नजर आता है लॉगिन, तो सबको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक कर देने बाद फाइनली आप अपना अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद आपको चेकआउट करना है कि आप अपना अकाउंट में लॉगिन हुए हैं या नहीं। उसके लिए ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता है अनडिफाइंड, उसके बाद वो नीचे देख सकते हैं लॉग आउट करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जब आपके पास लॉग आउट करने का ऑप्शन आ जाता है तो इसका मतलब फाइनली आप अपना अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब मैं प्रोसेस बता देता हूँ किस प्रकार से आपको अपना वोटर कार्ड को डाउनलोड करना है। उसके लिए सो नीचे यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए आपके पास एक सेक्शन बना हुआ आता होगा ई इपिक डाउनलोड का। ठीक है, तो दोबारा से आपको ई इपिक डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अपना वोटर कार्ड को दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास इपिक नंबर है तो दोस्तों यहाँ पे आपको इपिक नंबर सेलेक्ट करना होगा, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है, या तो फिर अगर आप अपना रेफरेंस नंबर डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देखना जाता होगा फ्रॉम रेफरेंस नंबर, तो दोस्तों आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर वाला आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो जो भी आपके पास है आप उसे सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए मेरे पास इपिक नंबर है तो यहाँ पर इपिक नंबर मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो भी आपका इपिक नंबर होगा यहाँ पर आपको इपिक नंबर फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। उसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेट होगा यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए नजर आता होगा सर्च, तो दोस्तों आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक कर देने के बाद आपका वोटर कार्ड का कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नजर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले इपिक नंबर, उसके बाद जो भी आपका नाम होता है, उसके बाद रिलेशन में जो भी नाम होता है, उसके बाद स्टेट और यहाँ पे असेंबली नजर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर भी यहाँ पे शो हो जाता है।
ठीक है, मोबाइल नंबर का यहाँ पे कोई डिजिट देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको वोटर कार्ड डाउनलोड करना है, उसके दोस्तों आपको ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। तो ओटीपी से वेरीफाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए नजर आता होगा सेंड ओटीपी, ठीक है। तो सिंपल सो आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों सेंड ओटीपी क्लिक करते हैं, उसके बाद जो भी आपके पास यहाँ पे मोबाइल नंबर शो रहा है उस पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी ओटीपी आता है ओटीपी यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप कर देने के बाद यहाँ पे देख सकते नजर आता होगा वेरीफाई, तो दोस्तों आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद देख सकते आपके पास इस प्रकार से खुलकर आ जाता है। यहाँ पे देख सकते लिखा नजर आता है ओटीपी वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड इपिक नजर आता होगा, तो सिंपल आपको डाउनलोड इपिक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइनली यहाँ पे इपिक कार्ड डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे जैसे कंग्रेचुलेशन का भी मैसेज आ चुका है, ठीक है। चलिए ओपन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए ओपन पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ओपन पर क्लिक करता हूँ, जो भी दोस्तों मेरा हाईटेक वोटर कार्ड है वो यहाँ पर नजर आ जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। डाउनलोड हो जाने के बाद इस वोटर कार्ड को आप प्रिंट आउट ले लीजिए, या तो फिर पीवीसी कार्ड में बना सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली से आप प्रिंट आउट ले लीजिए कलर में। उसके बाद इसे कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। वोटर कार्ड को डाउनलोड करने से पहले दोस्तों आपको दो बातों को ध्यान देना होगा। जैसे कि सबसे पहला जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात होता है, वोटर पोर्टल पर आपका एक अकाउंट बना होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका वोटर पोर्टल पर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप कुछ ही सेकंड में उसे बना सकते हैं, काफी इजी होता है। दूसरा यहाँ पे जो बात ध्यान देने वाला है, सबसे पहले सो अगर आप अपना वोटर कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं उससे पहले आपके वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो कुछ ही सेकंड में ऑनलाइन तरीका से फॉर्म 8 फिलअप करके आप उसे खुद ही आप अपना वोटर कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक करवा सकते हैं। जब आपके वोटर कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा, उसके बाद कुछ ही सेकंडों में आप, जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस दिखाया हूँ किस प्रकार से वोटर कार्ड डाउनलोड करेंगे, सेम प्रोसेस आप कुछ ही सेकंडों में अपना वोटर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आपका वोटर कार्ड नया हो या तो फिर पुराना हो, ठीक है। तो आशा करता हूं जो भी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं इसी प्रकार वीडियो पाना चाहते हैं, वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन मिलता होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बेल घंटी भी तो सब लोगों को प्रेस कर देना है ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।